Hello and welcome back. So today we are going to start your part number 3 of your chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. We have covered the two parts, and in the last part humne kya padha tha, we covered about how to determine the sex of a baby, ki wo male hai ya aapka baby female hoga, how it is determined by that. To usme humne ye padha tha ki it is determined by the male, because female ke jo hote hain usme do X क्रोमोजोम होते हैं. सो द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड ओनली बाय द मेल. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि अदर हॉर्मोन्स, द हॉर्मोन्स अदर देन योर सेक्स हॉर्मोन्स. सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा भी हॉर्मोन्स होते हैं, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं एक एक करके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, हमारी बॉडी में वी हैव सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दीज आर लोकेटेड आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स, एक पर्टिकुलर हॉर्मोन, और हर एक हॉर्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से हॉर्मोन का क्या फंक्शन होता है. सी, जैसे ही हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, तो ये हमारा कौन सा हॉर्मोन है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो आप, हमारा एड्रेनल हॉर्मोन जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा एंग्री जब हम हो जाते हैं. सो एड्रेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड इट एक्ट्स ऑन लिवर. हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है, शुगर लेवल ऑफ ब्लड जो है, वो कौन सी चीज़ रेगुलेट करती है. इट इज़ रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन नोन एज इंसुलिन, और इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, हमारे पैंक्रियास. ऑलराइट, एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं, इट सिक्रीट्स द हॉर्मोन्स विच मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन ब्लड. अब ये जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड हैं, ये कुछ हॉर्मोन्स ऐसे सिक्रीट करते हैं जो हमारे ब्लड में जो है सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखते हैं. प्लस जो ये एक एड्रेनल, जो हमारा एड्रेनल जो है ग्लैंड, इट प्रोड्यूसेस द हॉर्मोन नोन एज एड्रेनल. ये क्या हेल्प करता है, जैसे कि हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करने में, जैसे कि ज़्यादा एंग्री ना हो जाए, ज़्यादा एम्बेरस हो गए, हमारा ज़्यादा वरीड है. जब भी हमारा इस तरीके की सुपर एक्साइटमेंट या सुपर डिप्रेसिव स्टेट्स हमारे आते हैं, तो हमारा एड्रेनल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए. राइट, कुछ और हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं. हमें पता है कि वेन एवर अ लार्वा इज चेंज इनटू एन एडल्ट, इस प्रोसेस को हमने पहले भी पढ़ा था. तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, द चेंज ऑफ लार्वा टू एन एडल्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है, जब भी एक लार्वा एक एडल्ट में बनता है, राइट, या फिर एक छोटा सा टेडपोल जो है वो एक फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है. ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस इंसेक्ट्स में कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट हॉर्मोन्स के द्वारा. तो ये हॉर्मोन जो है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय योर थायराइड ग्लैंड, और कौन सा हॉर्मोन होता है, थायरोक्सिन. अगर आपसे पूछा जाए कि मेटामॉर्फोसिस कौन सा हॉर्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, सो इट इज़ कंट्रोल बाय थायरोक्सिन हॉर्मोन, एंड थायरोक्सिन हॉर्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय योर थायराइड ग्लैंड. अब ये जो थायरोक्सिन है, ये इसकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट जो होती है, इसमें क्या होना चाहिए, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब हमारे जो वाटर में एक आयोडीन जो आता है आपका, आयोडीन अवेलेबल हो या फिर प्रेजेंस हो. ठीक है, इफ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशियंट आयोडीन, देन टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट. मतलब कि जब भी जो आपके फ्रॉग के छोटे बच्चे होते हैं, वो तभी फ्रॉग में आपके एडल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपके पानी में सफिशियंट अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होगी. अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं है पानी में, तो हमारी जो इसकी ग्रोथ है टेडपोल्स की, वहीं रुक जाएगी और वो मर जाएंगे. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली चीज़, ये हमने पहले भी पढ़ी थी, कि लोकेटेड कहाँ होता है, इसकी लोकेशन होती है आपकी, ये बिल्कुल अबव द हाइपोथैलेमस. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. सी, लाइक ये आपका ह्यूमन फेस है, यहाँ पर आपका ब्रेन है, दीज आर ईयर्स. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये आपके इस तरफ जो है लोकेटेड होता है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इट इज़ लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस में मतलब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, उसके नीचे जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोकेटेड होता है. इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. इस मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, बिकॉज बाकी सारे ग्लैंड की फंक्शनिंग जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है. सो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, कि ये जो हमारे बाकी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड.
और क्या करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड? ये आपका सिक्रीट करता है थायरोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम टीटीएच भी बोलते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि टीटीएच हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड टीटीएच हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। सो दिस टीटीएच हार्मोन, दैट इज थायरोट्रॉपिक हार्मोन, इसको हम और क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपको ये इसका नोट कर लेना है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं टीटीएच हार्मोन, ठीक है? इसका दूसरा नाम है टीटीएच हार्मोन। तो ये टीटीएच जो होता है, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। कैसे हमारा थायरॉयड ग्लैंड जो है सो सिक्रीट करता है थायरोक्सिन, तो ये स्टिमुलेट करता है हमारे थायरॉयड ग्लैंड को कि थायरोक्सिन सिक्रीट करे। अब क्या होता है, जब भी इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ये आपका इनहिबिट करता है फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ टीटीएच। अगर हमारा जो है डिक्रीज हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, तो वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट मोर टीटीएच। दिस विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, दस द लेवल ऑफ थायरोक्सिन एंड टीटीएच इन द ब्लड इज मेंटेन एज अ बैलेंस लेवल। तो ये फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये, मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? पिट्यूटरी। दूसरा, कौन सा जो है हार्मोन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है टीटीएच हार्मोन, दैट इज थायरोट्रॉपिक एंड इट इज नोन एज योर ग्रोथ हार्मोन। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। थायरॉयड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, हमें पता है हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं थायरॉयड ग्लैंड्स, ये जो है एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज नोन एज योर थायरोक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये होता है आपके थ्रोट रीजन में, जो आगे आपका गला है फ्रंट वाला, तो ये वहां पर जो है थायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड होता है, थायरोक्सिन जो है वो रिलीज करता है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जो है पहली चीज मेटाबॉलिक रेट और ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है, और हमारी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट इज रेगुलेटेड बाय दिस थायरोक्सिन हार्मोन। जब भी हमारे बॉडी में बहुत कम थायरोक्सिन जो है वो प्रेजेंट होता है, या फिर हमारी बॉडी जो है कम थायरोक्सिन सिक्रीट कर रही है थायरॉयड ग्लैंड, तो क्या होता है, जो आदमी है, ठीक है, कोई भी आदमी औरत है, उसको ज़्यादा नींद आने लग जाती है, वो स्लगिश हो जाता है और उसका बॉडी वेट भी जो है इंक्रीज कर जाता है। जब भी थायरॉयड, या फिर हम कहें कि जब कहते हैं ना थायरॉयड की कमी है या थायरॉयड बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो थायरॉयड जो है वो थायरोक्सिन जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो कम है, तो बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? ये नहीं है कि थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है थायरोक्सिन कम है तो बॉडी वेट इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपका थायरोक्सिन इंक्रीज कर गया है, मतलब थायराइड ग्लैंड ने बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन बना दिया है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपकी इंक्रीज कर जाएगी और पर्सन जो है वो लूज करेगा वेट। ऑब्वियसली बात है, जब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, मतलब कि जब उसको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होगी, जब वो चीज़ ज़्यादा होगी तो पर्सन ऑटोमेटिकली वेट को जो है वो लूज करेगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की बात करते हैं, थायरॉयड ग्लैंड हो गया हमारा, पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं हमारे चार छोटे छोटे ग्लैंड्स, ये अटैच होते हैं हमारे थायरॉयड ग्लैंड के साथ ही। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का काम क्या होता है आपका, ये कंट्रोल करता है हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके अमाउंट को, ठीक है? तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये जब हो जाती है ह्यूमन बींग्स में, तो कौन सी डिसीज होती है? सो गॉइटर इज अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली अपने आप को एनलार्ज कर लेता है, थायरॉयड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। अब नाउ विल कम टू पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है, इट इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मैंने आपको पढ़ाए थे क्या होते हैं, तो उसको मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लेना। पैंक्रियाज, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो डुअल ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो योर पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो क्या होता है, थ्रू द डक्ट इट सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस विद विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये पैंक्रियाज हमारा पैंक्रियाटिक जूस को जो है वो सिक्रीट करता है, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। देन अब हमारे जो थ्रू द एंडोक्राइन टिश्यू
पैंक्रियाज क्या करता है, आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद सम अदर हॉर्मोन्स। और ये इंसुलिन क्या करता है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर है, ग्लूकोज है इन द बॉडी, इट कंट्रोल्स दैट। जब भी पैंक्रियाज सफिशियंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाता तो ग्लूकोज लेवल जो होता है हमारे ब्लड में वो राइज कर जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज, और या फिर एक प्रॉपर नेम बोलें इसका तो बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ऑल राइट, सो फिर से हम पढ़ लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, क्या इम्पोर्टेंट है कि पेंसुलिन जो होता है वो क्या, सॉरी पैंक्रियाज जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन और उसके साथ साथ कुछ और हॉर्मोन्स भी जो है वो जो है सिक्रीट करता है। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर जो कि है ग्लूकोज उसको हमारा कंट्रोल करता है। जब भी हमारी बॉडी में पैंक्रियाज सफिशियंट इंसुलिन नहीं बना पाता तो शुगर जो है हमारा वो बढ़ जाता है, या फिर हम कहेंगे ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड में वो इंक्रीज कर जाता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या होता है हमारी बॉडी में, वेन एवर देयर इज एन एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द बॉडी तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय दिस इंसुलिन एंड स्टोर्ड इन द लिवर। जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो हमारा इंसुलिन जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और जो इसको कर देगा स्टोर आपके लिवर में। ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स की। एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, पहला इनकी लोकेशन है, तो दीज आर लोकेटेड अबव द किडनीज, किडनीज के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक हार्मोन होता है एड्रेनल उसको प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। अब इसमें क्या होता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस कब होते हैं, ये जो एड्रेनल हार्मोन है ये कब प्रोड्यूस होता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एट दैट टाइम दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस। और ये करता क्या है, ये हार्मोन इंक्रीज कर देता है फ्लो ऑफ ब्लड को ब्रेन की तरफ। ठीक है, नाउ ओवरीज एंड टेस्टिस, ये हमने पहले कल भी पढ़ा था, आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो ओवरीज और टेस्टिस जो हैं ये दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स सेल्स हैं ये, जैसे कि आपकी स्पर्म्स हो गई वो प्रोड्यूस करती हैं आपकी टेस्टिस, और जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं ओवम या एग्स, दीज आर प्रोड्यूस बाय योर ओवरीज। ठीक है, नाउ अब लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स। जो भी हमारी लाइफ हिस्ट्री होती है इंसेक्ट्स में या फ्रॉग्स में, जब छोटा से लार्वा से एडल्ट बनता है या फिर टेडपोल से फ्रॉग बनता है, तो इसमें रोल ऑफ हॉर्मोन्स क्या है। सी, जब भी हमारा कैटरपिलर जो है इट हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट, सिमिलरली हमारा जो छोटा सा टेडपोल है इट ऑल्सो हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। सो लार्वा हो गया, पहले एग दिया, ठीक है, अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो पहले छोटा सा एग होगा, एग से हमारा लार्वा बनेगा, फिर रेस्पिरेटरी ट्यूब्स वगैरह बन जाएंगे, उसके लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, और प्यूपा के बाद एडल्ट मॉस्किटो बनेगा। तो ये होता है डेवलपमेंट इन अ मॉस्किटो। अब हम बात करेंगे अगर डेवलपमेंट इन अ बटरफ्लाई की बात करें, तो पहले एक एग है, राइट, एग के बाद हमारा कैटरपिलर बनेगा, लार्वा जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो बाइटिंग पार्ट्स हैं वो निकल आएंगे, एक छोटी सी आई निकल आएगी, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स निकलेंगे, फॉल्स लेग निकलेंगे, उसके बाद आगे डेवलपमेंट होगी उसकी विंग की, आईज की और लेग्स की, उस स्टेज को बोलते हैं हम प्यूपा। प्यूपा के बाद आती है हमारी एडल्ट बटरफ्लाई। सो ये जो प्रोसेस है चेंज का फ्रॉम लार्वा या फिर छोटे से कैटरपिलर से टू एन एडल्ट, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। एंड द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स। तो अभी हमने ये जस्ट डिस्कस किया ही था, तो फ्रॉग में ये प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो होता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन नोन एज थायरोक्सिन, एंड द हार्मोन थायरोक्सिन इट इज़ प्रोड्यूस बाय थायरॉयड ग्लैंड। फॉर थायरॉयड जो अगर थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, आयोडीन। सो हमें आयोडीन जो है, देयर शुड बी सफिशियंट आयोडीन इन वाटर फॉर टेडपोल्स टू ग्रो प्रॉपरली एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इन द लास्ट स्लाइड। सो बिफोर डिस्कसिंग फर्दर लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू और लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन सेल, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं आपकी ह्यूमन सेल में, 23 pairs। ठीक है, 23 में 22 वैसे पेयर होते हैं, और लास्ट जो पेयर होता है 22+1 लास्ट पेयर जो होता है फीमेल और मेल दोनों में ही वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम।
विच टाइप ऑफ जायगोट विल डेवलप इन टू अ मेल बेबी, कौन सा तरीके का जायगोट मेल बेबी में डेवलप करेगा. सो एक्स वाई जो होता है आपका एक्स वाई क्रोमोजोम, इट विल डेवलप इन टू अ मेल बेबी. नेम द हॉर्मोन दैट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मेटामोफोसिस इन अ फ्रॉग. ये प्रोसेस कौन सा हॉर्मोन है जो फ्रॉग में मेटामोफोसिस के प्रोसेस को जो है वो करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. सो द हॉर्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन एंड इट इज सिक्रीटेड बाई योर थायरॉयड ग्लैंड. फोर्थ क्वेश्चन इज विच नॉन मेटेलिक मटीरियल मिनरल इज नीडिड फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन. कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल होता है जो रिक्वायर्ड होता है थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए. सो इट इज एन आयोडीन. आयोडीन आपके वाटर में होना चाहिए ताकि आपके थायरोक्सिन की प्रोडक्शन हो सके और आपके जो टेडपोल्स हैं वो एक एडल्ट में कन्वर्ट कर सके अपने आप को. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. सो हेल्थ जो होता है क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. इट इज़ अ जनरल स्टेट ऑफ पर्सन फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. पर्सन को कब हम मानते हैं कि वो हेल्दी है. एक पर्सन हेल्दी कब होता है, जब वो फ्री होता है किसी भी डिजीज से, किसी भी एंजाइटी से, किसी भी सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन से. राइट, सो टू कीप वन सेल्फ हेल्दी हमें क्या जो है वो करना चाहिए. अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें क्या क्या जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे. सबसे पहली चीज वी शुड टेक हैव या फिर वी शुड टेक प्रॉपर डाइट. एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है हमें. दूसरा, हमें पर्सनल हाइजीन ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, क्लीनलीनेस ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. तीसरा है वी शुड डू फिजिकल एक्सरसाइजेस. सो हम अब पहला पॉइंट पे हम वो करते हैं अपना फोकस, और दैट इज न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर एडोलेसेंट्स. तो न्यूट्रिशनल नीड्स एडोलेसेंट्स के क्या क्या है. हमें एज अ इंडिविजुअल वी शुड टेक बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी. अब टिपिकल बैलेंस डाइट क्या होती है आपकी, कि हमारे जो फूड है, हमारा जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, रफे, सफिशेंट वाटर. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं तो ये कितना कितना अमाउंट में होने चाहिए. अगर हम कोई भी डाइट इंक्लूड करते हैं, कोई भी डाइट खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए हमारे 60%, फैट्स होने चाहिए हमारे 15%, देन प्रोटीन्स वी शुड कंज्यूम 25% प्रोटीन्स, एंड देन फिर मिनरल्स, रफेज, ये सब हमें लेना होता है. अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ से हमें क्या मिलता है. सीरियल्स और ग्रेन्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट. तो हमारे जो सीरियल्स हैं दैट इज पल्सेस वगैरह, सीरियल्स, ग्रेन्स, इसमें होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. राइट, विटामिन्स इसमें आपको मिलेगा सीरियल्स और ग्रेन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज. देन वी हैव पल्सेस. पल्सेस जो होती हैं दालें. पल्सेस में क्या क्या होता है आपका, जैसे पल्सेस में आपका क्या क्या आता है, जैसे चिक पीज हो गई, चना हो गया, मूंग दाल हो गई, चने की दाल, ब्लैक ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया. इसमें क्या क्या मिलता है आपको, इन सब चीज़ों में आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन. वेजिटेबल्स में जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई कुछ, जैसे कि स्पिनच है आपकी. स्पिनच कौन सी होती है, पालक. तो इसमें आपको पालक हो गई, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, टमाटो है, कैरेट है, ये किस एज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन. दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. कैरेट और टमाटो जो है दे आर रिच इन विटामिन ए एंड स्पिनच इज रिच इन आयरन. सो एग, मीट, फिश, इन सब में क्या होता है आपका प्रेजेंट, एग, मीट और फिश में होता है आपका. दीज आर रिच इन प्रोटीन्स. देन वी हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है आपका फैट, कैल्शियम, फॉस्फोरस. एंड द पीपल हु नीड लेसर फैट शुड कंज्यूम स्किम्ड या फिर टोन्ड मिल्क. सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये हमें क्या देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी. सो एडोलेसेंट जो होते हैं उनमें उनको ज़्यादा जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज दे डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़. सो एडोलेसेंट्स को जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट होती है. देयरफॉर दे शुड टेक फूड दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ऑल राइट, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्सरसाइज, देन से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल. एंड टुमारो आर चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड. आई विल ट्राई एंड टेक द क्वेश्चन आंसर इन द सेम वीडियो, और आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर यू.
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. कोविड बहुत फैला हुआ है, काइंडली स्टे होम एंड स्टे सेफ. अपना और अपनी फैमिली का, सबका ध्यान रखिए. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.